जैन फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। आज हमारी होगी यूपी जीए की तहत तीसरी क्लास, जिसके तहत से हम लोग देखने वाले हैं बिजनौर के बारे में। इससे पहले हमने पहली क्लास में सहारनपुर, दूसरी क्लास में मुजफ्फरनगर के बारे में देखा था। अब आइए जानते हैं बिजनौर के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं बिजनौर का परिचय। ठीक है दोस्तों, बिजनौर का परिचय। गंगा नदी के तट पर अवस्थित जो बिजनौर का गठन 1817 ईस्वी में मुरादाबाद से अलग कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो बिजनौर जनपद का उदय हुआ है वह मुरादाबाद से अलग होकर हुआ है। ठीक है, पहले मुरादाबाद में ही बिजनौर था, मुरादाबाद से अलग होकर बिजनौर बना। अब मुख्यालय देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय तो जो बिजनौर का मुख्यालय है वो बिजनौर ही है। ठीक है, कई जिलों का ऐसा है कि जिले का नाम तो वही है, वही जगह है, लेकिन उसका मुख्यालय कोई और है। ठीक है, जैसे कुशीनगर का पडरौना हो गया, ठीक है, और कौसाम्बी का मंझनपुर हो गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बिजनौर का जिला मुख्यालय कहाँ है? बिजनौर में है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो काष्ठ शिल्प है बिजनौर का, उसे GI टैग दिया गया है। ठीक है, जो बिजनौर का काष्ठ शिल्प है उसे GI टैग दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। एक जिला एक उत्पाद योजना का मतलब शुरुआत कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पहले मैंने वीडियोस में बता रखा है कि ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि उपनाम। ठीक है, उपनाम तो बिजनौर का जो उपनाम है वो कटेहर क्षेत्र भी है। ठीक है, यानी कटेहर क्षेत्र किस जिले जनपद का उपनाम है? तो वह है बिजनौर का। इससे पहले मैंने आपको बताया था सहारनपुर का, सॉरी मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर का जो उपनाम था वह सरवट नगर था। ठीक है, तो कटेहर क्षेत्र जो है वह बिजनौर का उपनाम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। ठीक है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है कि कौरव पांडव तथा राजा दुष्यंत की कर्मस्थली रहा है। ठीक है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो बिजनौर है यह कौरव पांडव तथा राजा दुष्यंत की कर्मस्थली रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है कौरव पांडव तथा राजा दुष्यंत की कर्मस्थली बिजनौर रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दर्शनीय स्थल। ठीक है, दर्शनीय स्थल बिजनौर के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, अब इन्हें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो विदुर कुटी है, ठीक है, कौन सी कुटी? विदुर कुटी, विदुर कुटी आश्रम, भंडावर का महल, पारसनाथ मंदिर, ताजपुर का चर्च, नजीबाबाद का सुल्तान किला, विदुर कुटी। ठीक है, ये एक तो विदुर कुटी आश्रम है, एक विदुर कुटी मंदिर है, कंफ्यूज नहीं होएगा। दोनों कहाँ हैं? बिजनौर में है। भंडावर का महल भी वहीं है, ताजपुर का चर्च भी वहीं है, नजीबाबाद का सुल्तान किला भी वहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवेश बिजनौर जनपद से होता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवेश होता है वह बिजनौर जनपद से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मेला। ठीक है, बिजनौर जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जो बिजनौर में मेला लगता है वह खारी झल्लू कार्तिक मेला। कौन सा मेला? कार्तिक झल्लू, खारी झल्लू कार्तिक मेला कहाँ लगता है? बिजनौर जनपद में लगता है। तो मेला एक ही है जो कि खारी झल्लू कार्तिक मेला, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिनका नाम भी यूनिक होगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वे लोग के मतलब सामान्य व्यक्ति के जहन में वो चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है, तो जो झारी खारी झल्लू कार्तिक मेला है वह बिजनौर में लगता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं औद्योगिक इकाई। औद्योगिक इकाई में देख लेते हैं कि लकड़ी की नक्काशी जो कि जो नगीना तहसील है बिजनौर की, वहाँ फेमस है। हथकरघा या मुसूती वस्त्र उद्योग जो धामपुर तहसील है बिजनौर की वहाँ पर, और कंबल निर्माण नजीबाबाद जो कि किसकी तहसील है? बिजनौर की। तो बिजनौर की जो तीन है, तो वैसे पांच, जो तीन तहसीलें हैं जैसे लकड़ी की नक्काशी हो गया, नगीना में मतलब नगीना जो है जहाँ से चंद्रशेखर जी सांसद चुने गए हैं वहाँ पर लकड़ी की नक्काशी ज़्यादा फेमस है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग जो है धामपुर तहसील, और कंबल निर्माण जो है नजीबाबाद तहसील में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की मोहम्मद गौरी से पराजय बिजनौर में हुई, इसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक
ठीक है, अब देख लेते हैं कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना कब होती है। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की मोहम्मद गौरी से पराजय बिजनौर में हुई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को हराकर यहाँ पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी का संबंध किस साम्राज्य से था? तुर्क साम्राज्य से था। नेक्स्ट देख लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ये तो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है वन्य जीव अभयारण्य। तो पहला देख लेते हैं हम लोग कि अमनगढ़ बफर बाघ अभयारण्य, ठीक है, अमनगढ़ बफर बाघ अभयारण्य जो है, यहाँ पर बाघ जो पाए जाते हैं। इसके बाद हैदरपुर आर्द्र भूमि, हैदरपुर वेटलैंड जो है, यह भी कहाँ पर है? बिजनौर में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट, नोट देखेंगे, वर्ष 2012 में अमनगढ़ को कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है वो कहाँ इस वक्त है? वो उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। तो अमनगढ़ को जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र घोषित किया गया था 2012 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, कालिदास रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में बिजनौर जनपद में बहने वाली मालिनी नदी का वर्णन किया गया है, ठीक है। क्या है कि जो कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें जो बिजनौर जनपद में एक नदी बहती है मालिनी नदी, उसका वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट देख लेंगे, बिजनौर महाराजा दुष्यंत सम्राट भरत ऋषि कण्णव और महात्मा विदुर की कर्मभूमि रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि यह इसका इस बिजनौर जनपद का संबंध जो है वह महाभारत काल से ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, जनजातियाँ, क्या है जनजातियाँ? बिजनौर में मुख्य रूप से बुक्सा या भोक्सा व माहीगीर जनजाति निवास करती है, ठीक है, ध्यान देंगे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो माहीगीर और भोक्सा, माहीगीर और भोक्सा जनजाति जो है बिजनौर पाई जाती है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, कौन? महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ने अपनी अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर बिजनौर के पैजानिया में शरण ली थी, ठीक है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंककर बिजनौर के पैजानिया में शरण ली थी। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब सहामत अली मंडावर जो बिजनौर के निवासी थे, उन्होंने महारानी को फारसी पढ़ाया था। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया के उस्ताद कौन थे, तो नवाब सहामत अली थे जिन्होंने कि उन्हें फारसी पढ़ाया था। और इनका संबंध, नवाब सहामत अली मंडावर का संबंध कहाँ है? बिजनौर से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनौर में तहसीलें कौन कौन सी हैं? चांदपुर तहसील, बिजनौर, नगीना, धामपुर, नजीबाबाद, ये जो है बिजनौर की तहसीलें हैं। परियोजनाएं देख लेते हैं, तो जो परियोजनाएं हैं रामगंगा नदी घाटी परियोजना रामगंगा नदी पर बनी हुई है, और स्थान धामपुर बिजनौर। रामगंगा काठी, ठीक है, रामगंगा काठी बांध परियोजना जो है वह रामगंगा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बिजनौर को स्वामी श्रद्धानंद महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि महान विभूतियों की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे इसको, ठीक है। जो बिजनौर को स्वामी श्रद्धानंद महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि महान विभूतियों की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी पसंद आई जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और यह कमेंट जरूर करेंगे कि ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। और इस तरह जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग अलग एक नए जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।